आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हम लोग राइडर का सुपर कार ले गए थे सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, बट ब्लास्ट गैंग ने उस कार को ब्लास्ट कर दिया था। हम लोग तो जैसे तैसे बच गए थे, बट राइडर का कार नहीं बच पाया। तो आज हम लोग उसको एक नया सुपर कार गिफ्ट करने वाले हैं, वो भी चोरी करके, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे आए तो नहीं कि मैं दूसरे कार खरीद लूँ। तो चलो मैं स्वीट से कोई लोकेशन ले लेता हूँ जहाँ पर एक सुपर कार हो। ओके, तो गाइस स्वीट ने मेरे को एक लोकेशन दिया है जहाँ पर एक बुलेट प्रूफ और एक फास्टेस्ट सुपर कार है, तो मैं वहाँ पर दिखाता हूँ। वहाँ पर सिक्योरिटी तो होगी, तो मेरे को तैयार होकर जाना पड़ेगा। और अपना सीजे कैसा दिख रहा है कमेंट में बताना, मैंने इसको कपड़ा चेंज किया है। ओके, तो चलो फटाफट से किसी का कार लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तो राइडर के पास कोई कार है नहीं, तो हम लोग को किसी का चोरी करके लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो, अरे यार पुलिस वाले का ये बोनट ही खुला हुआ है यार, चलो इसको इसका पकड़ते हैं। अरे यार भग गया, चलो देखते हैं कि कौन। ओके, तो ये वाला गाड़ी ले लेते हैं हम लोग, बाद में इसको चेंज कर देंगे। ये भाई गाड़ी तो इसको निकल तू। ओके चलो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर। ओके भाई साहब बढ़िया बढ़िया। ओ भाई यार पुलिस में यार एक स्टार की पुलिस लग गई, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो वैसे मैं पहुंच चुका हूँ, वो भी टैक्सी लेके, क्योंकि वो मेरे को कार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने टैक्सी ले लिया वहाँ पर था। ओके, तो चलो इसको लेकर मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पर। चलो फटाफट से चलते हैं। और ये क्या रास्ता बना रखा है यार, इतना पतला पतला रास्ता, इन रास्ता से मेरे को अपना टैक्सी लेकर जाना पड़ रहा है। चलो फटाफट से, वैसे मेरा तो नहीं है, चलो जल्दी से इसको लेकर चलते हैं इसमें। और भाई यहाँ से तो गाड़ी ऊपर ले जाने का जगह ही नहीं है यार, कहाँ से ले जाऊँ। अरे यार छोड़ो, इसको यहीं पर रखते हैं, हम लोग अपना कार लेके यहाँ से निकलते फटाफट से। और जैसे मैं सोचा था यहाँ पर सिक्योरिटी है तो नहीं यार, यहाँ पर एकदम फ्री में कार मिलेगा क्या, मुझे पता नहीं है। चलो देखते हैं वो कार किधर रखा हुआ है, ऐसे तो खुलेआम रखा नहीं होगा, पता नहीं किधर रखा हुआ उसने। वैसे इस घर के अंदर हम लोग एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये घर लॉक है। ओके ओके, तो वैसे मेरे को वो वाला कार मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ है, और ये देखने में लुक कितना अच्छा है यार इसका। तो चलो फटाफट से इसको लेकर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, वरना पुलिस को पता चल जाएगा। ओके चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। ओके ये रहा हमारा एग्जिट वाला डोर। ओके ओके भाई साहब एक बार इसका ट्राई को, भाई अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, ये खरोंच तक नहीं आया। गाइस यार मैं अपना कार लेके अच्छे भले जा रहा था, बट यार यहाँ पे 4 स्टार की पुलिस लग चुकी है मेरे पीछे। इन्होंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया क्या कि मैं इस कार को लेके भाग चुका हूँ यहाँ से। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ये कार बुलेट प्रूफ है, तो हमें कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से इसको लेकर जा सकते हैं। बट यार यहाँ पर 6 स्टार लग गया, तो फिर टैंक ही टैंक आएंगे यार, फिर तो इस कार गया भाई, ये मोबाइल प्रूफ थोड़ी ना है। ओके चलो फटाफट से यहाँ से लेके निकलते इसको। और भाई स्पीड इसका तो कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है यार, चलो चलो जल्दी से लेके चलते, बहुत ज़्यादा स्पीड भी है और बुलेट प्रूफ भी है, बस मस्त ही है कार। ओके चलो फटाफट से यहाँ से लेकर निकलते। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलाऊँगा तो इसका वो जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है इसलिए। ओ भाई इधर रास्ता बंद है यार, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। ओ भाई इस गाड़ी को क्या हुआ, अरे ख़त्म भाई ख़त्म क्या, अरे रुक जाओ यार इसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। उतरो यार यहाँ से, उतरते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर एक बार स्टार्ट करते हैं। वो भाई उधर से ही पुलिस आ रहे हैं, बट यहाँ से बंद है रास्ता तो हम लोग इधर नहीं जा सकते, तो यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। चलो ओके चलने लगा। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग चलते जंगल की तरफ, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोग जंगल की तरफ गए थे तो पुलिस वहाँ पर नहीं आ पाई थी और उन्होंने हमारा पीछे छोड़ दिया था, बट यहाँ पर तो इधर ही पुलिस है यार। अरे भाई 3 स्टार का पुलिस है, मतलब ये तो नहीं कि ये लोग जंगल में भी आ जाएंगे, और हेलीकॉप्टर ने पीछे पड़ा दिया। अरे भाई ओके गाइस मेरे पास 5 स्टार की पुलिस लग चुकी है। अरे भाई यार 6 स्टार की नहीं लगनी चाहिए, वरना टैंक ही टैंक आएंगे। ओ भाई कितना पावरफुल है ये कार भाई, पूरा कार को ही पलटा दिया। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बुलेट प्रूफ कर दिया यार इसको तो। ओ भाई पीछे आ रहा है यार, पीछे आ रहा है, भागो यहाँ से। गाइस इसका मैक्सिमम स्पीड 100 तक पहुँच जाता है बहुत आराम से। तो चलो फटाफट से इसको लेकर निकलते हैं। और ये देखो गाइस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ, वरना फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो कहीं और ही चले जाएगा भाई। तो चलो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं हम लोग अपने घर। वैसे यार ये लोग पुलिस लोग जाने देंगे तब तो जाएंगे ना यार। ओके तो गाइस अपना घर का वो जो लोकेशन हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर जाना है हमें। तो चलो ओके, तो चलो गाइस हम लोग चलते। ओ हो भाई यार ये लोग बीच में और इधर से भी रास्ता बंद है यार,
यार मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, एक काम करता हूँ अपने घर के रास्ते पर निकलता हूँ जल्दी से, तब तक मैं घर भी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से एक ट्रैक्टर जा रहा है, यहीं से मोड़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके तो चलो, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर लगता है पुलिस तो नहीं आ पाएगी, तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। ओ ओ भाई, ओ हो यहाँ पर भी आ रही यार, यहाँ से पीछे कैसे छुड़ा इनसे भाई, 4 स्टार की पुलिस वापस से लग गई है। अरे यार नहीं, वो सिट ओके, हम लोग सिटी में पहुँच चुके हैं, हम लोग तय हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर। ओ ओ ओ ओ भाई, ये कार फंसना नहीं चाहिए, चलो आराम से चलते हैं यार, उससे हम लोग स्पीड में ही चलाना होगा, वरना भाई साहब ये लोग हमें पकड़ भी सकते हैं, फिर हमारा ये कार तो जाएगा ही जाएगा, और हमारा पैसा जाएगा, और हमारा गन भी जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये गाड़ी कितना आउट ऑफ कंट्रोल होता है यार। अरे अरे भाई, ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही मजबूत है यार ये तो। ओके चलो फटाफट से, ओ भाई पूरा गाड़ी अपने ऊपर चढ़ा रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। ये हमारा सिटी नहीं है गाइस, ये कोई गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, ये हमारा सिटी नहीं है, हमारा सिटी कहीं और है यार, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। और भाई साहब एक बार मैंने सोचा कि इसको आराम से लेके हम लोग निकल जाएंगे अपने घर पे, बट नहीं यार मैं गलत था, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, इसके मतलब ये नहीं कि मैं आराम से लेके निकल जाऊँगा इसको। अरे यार अ भाई, ये क्या कर रहे हो बे, पूरा गाड़ी अपने ऊपर ही चढ़ा दे रहे हैं यार ये लोग तो। यहाँ से एक ब्रिज भी है, यहीं से चले क्या हम लोग? नहीं यार चलो अपना सीधे सीधे चलते हैं, और मैं इसको स्पीड में इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि ये भाई आउट ऑफ कंट्रोल ना होने लगे। और भाई ये देखो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू, भाई साहब अरे यार ये गाड़ी टूटेगा, वैसे टूटेगा तो नहीं क्योंकि ये मतलब ये टूट ही नहीं सकता यार, ये उस पूरा मतलब बुलेट प्रूफ सब कुछ पूरा। और भाई 6 स्टार लग चुकी है, अब हमारे पीछे टैंक भी दौड़ेगी, टैंक भी दौड़ेगी गाइस, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट से। ओके यार हाईवे पे, ओहो टैंक, अरे यार नहीं मिसाइल नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये मिसाइल प्रूफ नहीं है, हमें आराम से यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं गाइस, डाउनटाउन लॉस सैंटोस हम लोग पहुँच चुके हैं, यहीं पर अपना यहीं से हमारा घर है। अरे भाई साहब, ओ ओ भाई पलटना नहीं चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। ओके हम लोग गिरे तो कोई बात नहीं क्योंकि ये मतलब टूटेगा नहीं, तो चलो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं। हमें इसको रिपेयर भी कराना होगा क्योंकि इसके इंजन विंजन ख़राब हो गया होगा, तो चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे अभी गाड़ी फुल तरह से काम कर रहा है यार, यहाँ पर कितने गोलियाँ पड़ चुके इसको, तब भी ये अभी आराम से चल रहा है, गाड़ी मजबूत तो है, मानना तो पड़ेगा। ओके मानना तो पड़ेगा भाई, ओ ओ पूरा भाई बहुत मजबूत है यार ये तो, पूरा टैंक अपने ऊपर भी ले लिया उस समय। ओके चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, मैं गलत रास्ते आ गया। और भाई साहब टैंक से बचे रहा हूँ यार मैं तो, वरना टैंक का एक मिसाइल अपना गाड़ी के लिए घातक हो सकता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। ओके तो मैं यहाँ से आ चुका हूँ, मेरे को रास्ता यहाँ से आई थिंक नहीं मालूम है। ओके अरे ओहो भाई, ओहो दो टैंक यार, ये सब क्या ही हो रहा है, वहाँ से रास्ता ही जाम लगा रखा है। अरे यार ये सब मत किया करो, हटो यार देख लो, ओ भाई कितना गोलियाँ पड़ रहा है यार इस गाड़ी को, तब भी इस गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ओ भाई साहब, ओहो मैं कब से इस गाड़ी को भगा रहा हूँ, इसका पेट्रोल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। चलो फटाफट से इसको भगा कर लेके चलते हैं अपने घर पे। ओके ओके यार गाइस, हमारा घर एकदम पास में ही, हम लोग चाहें तो जा सकते हैं, बट ये लोग हमें जाने नहीं देंगे यार। ओहो भाई यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो, अरे यार जहाँ जाओ वहाँ पर टैंक। अभी हम लोग अपने घर पे जाएंगे तो ये लोग हो सकता है कि ये हमारे पीछे पीछे आने लगे अपने घर पे, फिर हमें रेस्ट करके लेके जाएं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इनको यहाँ पर अपने घर पे नहीं लेकर जाएंगे, वरना ये हमारे पीछे पीछे आकर हमें अरेस्ट कर सकते हैं, वरना हमें घर चेंज करना पड़ेगा, इनको अपने घर दिखा दिया तो। ओके तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मुझे एक टनल ढूंढना पड़ेगा, जहाँ एक टनल हो हम लोग उससे उसमें चल जाएंगे तो पुलिस हट जाएगी जितना मेरे को मालूम है। तो चलो फटाफट से एक टनल ढूंढते हैं और उसमें फटाफट से घुस जाते हैं यार। वो भाई कितना गोलियाँ पड़ रहा है इस कार को, तब भी इसको कोई डैमेज ही नहीं, और इसका अभी टायर पंचर ही नहीं हुआ। ओके 1 स्टार घट चुका है, चलो अच्छा है भाई। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते, मुझे एक वो पटरी चाहिए यार, वहाँ पर आराम से कोई ना कोई टनल तो मिल ही जाएगा, तो हमें वही चाहिए। मैं तो जंगल की तरफ आ चुका हूँ क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोग जंगल की तरफ गए थे तो पुलिस वाले नहीं आ पाए थे, और लगता है आज भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर पुलिस नहीं दिख रहा है मेरे आस पास। ओके तो गाइस मेरे को एक पटरी मिल चुका है, मैं इसको निकल लेता हूँ लेकर, क्योंकि यहाँ से मैं रास्ता इसका पकड़ूंगा तो मुझे एक टनल मिल सकता है, और मिल गया भाई। चलो अब अपना पुलिस हट जाएगा यार फाइनली भाई। चलो यहाँ पर आराम से यहाँ पर रहो।
ओके तो गाइस अभी फाइनली हमारा पुलिस हट जाएगा, वो लोग मेरे अभी टनल के बाहर ही है। चाहे मैं अभी टनल से बाहर चल जाऊँ भाई गोलियों की बरसात हो जाएगी अपने ऊपर। तो हम लोग इसके अंदर है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कहाँ पर है। ओके चलो फटाफट से भाई, सब इतना देर तक दौड़ाया भाई, अब फाइनली छुटकारा मिलेगा यार इनसे। ओके तो गाइस फाइनली पुलिस वाले हमारे पीछा छोड़ चुके हैं भाई, इतने देर बाद भाई साहब अपने घर जा पाएंगे हम लोग। चलो फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई साहब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है यार, इसको अभी तक एक खरोच नहीं आया यार, एक खरोच मानना तो पड़ेगा यार। ये राइडर को मतलब गाड़ी मिलने वाला वो तो और गैंगस्टरगिरी करेगा। चलो फटाफट से इसको हम लोग राइडर के घर पे ले जाते हैं, और मैं ये कहाँ कहाँ ठोक रहा हूँ इस गाड़ी को, अपना अच्छे से लेके चलते हैं यार। ओके गाइस, ओके तो गाइस अभी हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग इस गाड़ी को अब लेकर चलते हैं फटाफट से। ओके लेट्स गो भाई साहब, लेकर चलते हैं इसको और वो राइडर को गिफ्ट करते हैं इसको, वो तो खुशी हो जाएगा भाई। बुलेट प्रूफ और भाई स्पीड भी इसका बहुत अच्छा खासा है, और इसको रिपेयर भी कराना होगा, मैं राइडर से बोल दूंगा वो रिपेयर तो करा ही लेगा। ओ भाई इसके पास तो एक कार है यार पहले से, चलो कोई बात नहीं, इसके इसने एक गाड़ी किसी का चुरा लिया होगा, बट कोई बात नहीं हम लोग इसको ये कार दे देते हैं। ये कार भी वैसे अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला जो इसने पार्क किया यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से पीछे करते हैं और अपना गाड़ी लगाते हैं यार यहाँ पे। इतना बढ़िया सुपर कार हमने दिया यार, ये कबाड़ कार यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके तो चलो फटाफट इस गाड़ी को अच्छे से यहाँ पर लगाते हैं, पार्क कर देते हैं। ओके लेट्स गो, चलो फटाफट से इसको पार्क करो। ओके अच्छे से पार्क करेंगे यार हम लोग। ओके लेट्स गो, पार्क तो हो चुका है। चलो फटाफट से हम लोग राइडर से बात करके आते हैं और देखते हैं उसको क्या ही रिएक्शन होता है। ओके तो गाइस मैं राइडर से बात किया और भाई बहुत खुश है इस गाड़ी को देख के, क्योंकि मैंने उसको एक नया गाड़ी दिया है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसका रिएक्शन भाई देखने लायक था। तो गाइस अब अगले वीडियो में अपना कार भी लिया जाए, उसको खरीदा जाए या चोरी किया जाए, आप लोग कमेंट में बताओ।